अगले 5 दिन संभल कर। जी हाँ, मौसम विभाग का अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बारिश, ओले और ठंड भयंकर पड़ने जा रही। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी वाले ठंड से सिकुड़े जा रहे हैं, तो बिहार वाले शीतलहर से कांप रहे हैं। राजस्थान में भी ठंड भयंकर पड़ रही है। आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर इस बार इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है। हाथरस वाले ठिठुर रहे हैं, मुरादाबाद में शीत लहर ने जान आफत में डाल रखी है। मेरठ में ठंड ने कुल्फी सी जमा रखी है। कानपुर वाले कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं। वाराणसी वाले विकट की सर्दी झेल रहे हैं। प्रयागराज में जाड़े ने लोगों को जमा दिया है। जी हां, यूपी में हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। जनवरी के इस जाड़े में लोगों के हाथ पांव जम गए हैं। अब जैसे भी बैठे हुए हैं, कुर्सी डाल करके सर्दी में ही टाइम पास कर रहे हैं अपना। अब दो तरह की ड्यूटी निभा रहे हैं, नगर पालिका की भी निभा रहे हैं और पुलिस की भी निभा रहे हैं। निभानी पड़ेगी सब, जब सर्दी लगेगी तो क्या होगा। यूपी में भी भयंकर शीत लहर चल रही है, तो साथ में कोल्ड डे कंडीशन भी बनी हुई है, जिसकी वजह से दिन में जबरदस्त ठंड लग रही है। यूपी के अलग अलग शहरों में पिछले एक सप्ताह से लगातार न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नापा जा रहा है। शीतलहर से गलन और ठिठुरन पैदा हो गई है। आम आदमी की कपकपी बंद रही है, घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। हालात टंकियों का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। सूर्य के दर्शन तक नहीं हो रहे, दिन भर बादल छाए रहते हैं। बहुत ठंड चल रही है, 3-4 दिन से सूरज महाराज भी न लग रहा है, गलन है पूरा, लग रहा है कि बर्फ एकदम गिर रहा है। बहुत ज्यादा ठंड है सर। सर्दी का आलम यह है कि सर्दी बहुत तेजी से अचानक ही बढ़ी है, जिसकी वजह से पूरा प्रदेश जो है वो उपायों की स्थिति में है कि किस तरह से जीवन यापन किया जाए। अब आपको दिखाते हैं कि क्यों इस साल जबरदस्त ठंड पड़ रही है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में इस साल भीषण ठंड के पीछे एक वजह ला नीना का प्रभाव है। अमेरिकन जियोसाइंस इंस्टीट्यूट के मुताबिक अल नीनो और ला नीना शब्द का संदर्भ प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में समय समय पर होने वाले बदलावों से है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो अल नीनो की वजह से तापमान गर्म होता है और ला नीना के कारण ठंडा। दोनों आमतौर पर 9 से 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन असाधारण मामलों में कई वर्षों तक रह सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार ला नीना की वजह से भयानक ठंड की स्थिति दिसंबर से लेकर फरवरी तक चलेगी। हालांकि भारत में ठंड की तीव्रता सिर्फ ला नीना के प्रभाव पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि पश्चिमी विक्षोभ जैसे कुछ अन्य कारण भी सर्दी के मौसम में अहम भूमिका निभाते हैं। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने बिहार में भी भयंकर ठंड बढ़ा दी है। बिहार के 12 जिलों में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है और कोल्ड कंडीशन बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान में गिरावट आने के चलते अगले 24 से 48 घंटों में कोल्ड डे अलर्ट जारी हो गया है। पटना, पूर्णिया, गया, भागलपुर, सुपौल, सहरसा, पूर्वी चंपारण, अररिया, दरभंगा और गोपालगंज भयंकर शीतलहर की चपेट में हैं। अभी आपको 25 तक निजात इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि 23-24 का बारिश है और अभी लगातार कोल्ड डेज वाली कंडीशन बनी रहेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर में लगातार गिरावट आ रही है। लेकिन आज परसों से, मतलब परसों इस साल का सबसे सर्द टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है, सर्द दिन रहा है इस साल का, क्योंकि परसों जो था 13.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो इस साल का सबसे कम मैक्सिमम टेम्परेचर है। इसके अलावा 22 और 23 जनवरी को बिहार में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है।
और ये है राजस्थान के सबसे ठंडे इलाके की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग मोटे मोटे कपड़ों में डूब के चले जा रहे हैं। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में विकट की सर्दी पड़ रही है। पिछले एक हफ्ते से राजस्थान के कई शहर सर्दी का सितम झेल रहे हैं। अब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगे मौसम और भी भयंकर होने जा रहा है। राजस्थान में 21 जनवरी से बारिश, ओले और ठंड का संगम होने जा रहा है। जयपुर समेत राजस्थान के 11 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बीकानेर, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की आशंका जताई है। जबकि पूर्वी राजस्थान के जयपुर, झुंझुनू, अलवर और सीकर और पश्चिमी राजस्थान में चुरू जिले में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। भारत के उत्तरी और मध्य इलाकों में कड़ाके की ठंड ने सभी को हैरान कर रखा है। ठंड दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। आज तक ब्यूरो,